वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डे 107 है आज मेरी वेट लॉस जर्नी का। मैंने कल रहा हूँ भी एक्सरसाइज कराने और आने के बाद में कर लेंगे ब्रेकफास्ट। एक्सरसाइज कराने के बाद में घर आके मैंने आज की मेरी पहली और आखिरी मील ली, जिसमें मैंने लिया है 4 पनीर सैंडविच और उसके साथ में 2 गोंद के लड्डू और आधा किलो दूध। यहाँ पे मैंने टोटल 2300 to 2400 कैलोरीज कंज्यूम करी है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 80 to 84 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मैंने लिया है। शाम को मैं निकल गया जॉगिंग करने। जॉगिंग हो चुकी है और अभी लगभग 25 मिनट्स की जॉगिंग करी है मैंने। स्टेप्स वगैरह हो चुके हैं और एक चीज़ मेरे को इन्फॉर्मेटिव चीज़ है, शेयर करूँगा। आज मैंने लगभग 2300 to 2400 कैलोरीज के आसपास कैलोरीज कंज्यूम करी है और एक मील में इतनी सारी कैलोरीज कंज्यूम करी है। मतलब आज फास्ट था, एक ही मील लिए पूरे दिन भर में और इतनी कैलोरीज कंज्यूम करी है सिर्फ एक मील के अंदर। तो जो लोग वेट लॉस करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग या इस तरह की चीज़ करते हैं, आप उसके अंदर वेट गेन भी कर सकते हैं, ठीक है। वेट लॉस करने के लिए कैलोरी डेफिसिट देना इम्पॉर्टेंट है। अगर कैलोरी डेफिसिट नहीं है, वेट लूज नहीं होगा आपका, तो जो भी लोग वेट लॉस के लिए अलग अलग चीज़ें अपना रहे हैं, अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, एक चीज़ का ध्यान रखें, कैलोरीज डेफिसिट में होनी चाहिए। वो होगी तो वेट लूज होगा, वो नहीं होगी तो वेट लूज नहीं होगा। स्टेप्स वगैरह हो चुके हैं, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं, गुड नाइट।